Welcome to Study My Way Double Interval. Class 6, Science, Chapter 4, Potter. Suppose for the some reason your family get one buckets of the water every day for the week. सपोज करो किसी भी कारण से जो आपके परिवार को केवल एक ही बाल्टी मिले रोज एक सप्ताह तक. इमेजिंग व्हाट वुड बी हैपन. आप इमेजिंग कर सकते हो कि क्या होगा. वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लॉथ्स और द बाथ. क्या होगा आ क्या आप योग्य होगे खाना बनाने के लिए, बर्तनों को साफ करने के लिए या कपड़ों को धोने के लिए, नहाने के लिए. व्हाट आर अदर एक्टिविटीज़. कौन सी दूसरी तरह की एक्टिविटीज़ है यू वुड नॉट बी एबल टू, जो आप करने योग्य नहीं होंगे. व्हाट वुड हैपन, क्या घटित होगा इफ़ वी डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू वाटर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम. क्या होगा यदि आपको पानी ना मिले काफ़ी लंबे समय तक. ए पार्ट ऑफ द ड्रिंकिंग, एक हिस्सा होता है जो पीने के लिए. देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर द विच वी यूज़ वाटर. मतलब दूसरी की जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं हम वाटर के थ्रू, वाटर के थ्रू जो भी कंप्लीट होता है, बाथिंग होता है या फिर हमारा क्या होता है वॉशिंग क्लॉथ्स होता है या फिर यूटेंसिल्स होता है, तो उसके लिए क्या होता है उनमें से पीने का पानी भी उनमें से एक है. डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ वाटर वी यूज इन द सिंगल डे. क्या आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आप कितनी मात्रा में पानी को यूज करते हैं एक दिन में. जैसे ये देखो आप ये क्या कर रहा है, इस पानी का यूज बाथिंग के लिए कर रहा है, ये वॉशिंग द क्लॉथ्स के लिए कर रहा है, ये पानी को लाने के लिए कर रहा है ड्रिंकिंग वाटर, और ये पानी को क्या कर रही है ये फिल करते हैं. ये क्या होते हैं यूजेस ऑफ वाटर. इव हाउ मच द वाटर वाटर डू वी यूज, हम कितना पानी यूज़ करते हैं. अब एक्टिविटीज़ वन, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर द विच वी यूज ऑफ वाटर. आपको क्या करना है एक सभी तरह की जो एक्टिविटीज है जो हम पानी को यूज़ करते हैं एक दिन में. सम एक्टिविटीज़ आर द लिस्टेड इन टेबल 14.1, जो 14.4 में हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है. मेक द सिमिलर टेबल इन द योर नोटबुक. आप इसकी इसी तरह से एक नोटबुक बनाइए अपने, इस तरह की टेबल अपने नोटबुक में एंड द थ्रू आउट द डे, कि पूरे दिन में. मेजर द अमाउंट ऑफ द वाटर वी यूज, कि आप क्या करो मापो सारे साथ पूरी तरह के जो भी पानी यूज़ करते हैं प्रत्येक एक्टिविटीज में आप और आपकी जो फैमिली के मेंबर करते हैं. यू मे यूज़ ए मग, आप शायद एक मग यूज़ करोगे, ग्लास से बकेट्स और एनी अदर द कंटेनर टू द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर यूज़. आप कुछ भी या मग भी यूज कर सकते हो, ग्लास यूज कर सकते हो, बाल्टी यूज कर सकते हो या दूसरी तरह के कंटेनर भी यूज कर सकते हो कि आप कितना पानी यूज कर रहे हैं. जैसे ड्रिंकिंग पीने के लिए आप कितना पानी यूज कर रहे हैं, हो सकते हैं हम कितने पिए, हम 10 ग्लास सपोज करो 10 ग्लास वाटर पिए एक दिन में. फिर ब्रशिंग के लिए चाहिए सपोज करो हमें 2 मग चाहिए. फिर बाथिंग के लिए क्या चाहिए सपोज करो हमें 2 बकेट चाहिए. वॉशिंग यूटेंसिल की चाहिए हमें सपोज करो 2 बकेट. वॉशिंग क्लॉथ के लिए हमें चाहिए सपोज करो 4 बकेट. टॉयलेट के लिए चाहिए हमको 1/2 बकेट. क्लीनिंग फ्लावर्स के लिए हमें ज़्यादा पानी चाहिए तो उसके 10 बकेट चाहिए एनी अदर दूसरे के लिए. टोटल वाटर यूज इन द डे बाय द फैमिली, आप क्या करो टोटल जितना भी पानी यूज कर रहे हैं तो आपकी फैमिली में, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हम इतना पानी यूज कर रहे हैं. फिर हमारा यू नाउ हैव द रफ आइडिया एज टू हाउ द मच द वाटर योर फैमिली यूजेस इन द डे. आप क्या कर सकते हो इससे एक रफ आइडिया ले सकते हो कि कितना पानी आपकी फैमिली यूज करती है एक दिन में, कितना प्रयोग करती है. कैन यू एस्टिमेट, क्या आप अनुमान लगा सकते हो द अमाउंट ऑफ द वाटर यूज बाई द यू बाई द ए पर्सनल ए क्लियरनेस के लिए इन द डे, कि आप अपने व्यक्तिगत साफ सफाई के लिए कितना पानी यूज करते हो. यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन को प्रयोग करके कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द वाटर, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पानी आवश्यकता है बाय योर फैमिली इन द ईयर, की एक साल में आपकी फैमिली को कितने पानी की जरूरत होती है. नाउ द डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ योर फैमिली. जितना भी आपने एक मतलब एक परिवार के लिए निकाला, सपोज करो आपने कितना निकाला 50 लीटर निकाला पूरी फैमिली के लिए,
ठीक है, और आपकी फैमिली में कितने, आपकी फैमिली में पाँच पाँच पर्सन है, तो आप क्या करोगे इसे इसको डिवाइड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा एक एक मतलब एक व्यक्ति के लिए कितना का 10 लीटर पानी यूज आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसके द्वारा हम प्रत्येक फैमिली के बारे में भी निकाल सकते हैं। दिस विल द गिवन एंड द आइडिया ऑफ द अमाउंट वॉज डिड बाई द वन मेम्बर ऑफ योर फैमिली इन द, और इसी फिगर के अनुसार हमने क्या निकाल दिया एक मेम्बर के मेम्बर का पानी निकाले वो कितनी जरूरत होती है एक साल में। फाइंड द नंबर ऑफ द पीपल दैट लिव इन द योर विलेज एंड टाउन, और आप क्या कर सकते हो इसी डाटा के अनुसार आप क्या कर सकते हो कि गांव में रहने वाले और शहर में रहने वाले लोगों के बारे में भी निकाल सकते हो कि उनको एक साल में कितने पानी की जरूरत होती है। यू मे नाउ गेट एंड द आइडिया ऑफ द वाटर नीडेड बाई योर द विलेज एंड टाउन इन द ईयर ऑफ, और क्या कर सकते हो एक आइडिया भी लगा सकते हो कि कितना पानी की जरूरत होती है किसी भी गाँव में किसी भी शहर में एक साल के लिए। भूजो वंडर इन द वेदर द पीपल लिविंग इन द डिफरेंट डिसम द आर द कंट्री गेट इन द सेम अमाउंट ऑफ द वाटर, भूजो आश्चर्यचकित होता है कि जो भी लोग अलग अलग रीजन में अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं हमारे देश में क्या उनको समान प्रकार क्या नाम सेम ही अमाउंट में सेम ही में पानी मिलता है। आर देयर द रीजन वेयर द पीपल डू नॉट गेट द एक्वेट अमाउंट ऑफ द वाटर, क्या कोई ऐसा भी क्षेत्र है ऐसा कोई भी रीजन है जहाँ पर लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है। हाउ डिड दे मैनेज, वो किस तरह से अपनी चीज़ों को करते हैं किस तरह से अपनी चीज़ों को एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं। फिर यू हैव लिस्टेड नंबर ऑफ द एक्टिविटीज़ विच यू यूज़ द वाटर, हमने क्या क्या लिस्ट किया है एक बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम पानी को यूज़ करते हैं, कैसे हम ड्रिंक के लिए करते हैं ब्रशिंग के लिए करते हैं अपने फ्लावर्स को क्लियरिंग के करते हैं और अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं और फिर बहुत सारी जो मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए कर सकते हैं जो भी ये है इसमें लिस्टेड ये है जो हमने बताई एक्टिविटीज़ बताई है ड्रिंकिंग ब्रशिंग बाथिंग वॉशिंग द यूटेंसिल्स वॉशिंग द क्लोथ्स टॉयलेट्स क्लीनिंग द फ्लावर्स एंड अदर एक्टिविटीज़। फिर इसमें आगे बताया कि डू यू थिंक्स द आर द वाटर रिक्वायरमेंट इन द लिमिटेड एक्टिविटीज़ लाइक दिस, क्या आप सोच सकते हो कि केवल जो पानी की जो आवश्यकता थी केवल इन्हीं एक्टिविटीज़ के लिए यानी क्रियाकलापों के लिए ही होती है। वी यूज़ द वीट द राइस प्लसिस द वेजिटेबल्स मैनी अदर द फूड आइटम एवरी डे, जो भी हम रोज गेहूँ को यूज़ करते हैं गेहूँ है चावल है दालें वेजिटेबल्स सब्जियाँ होती है बहुत सारे जो फूड आइटम होते हैं जो हम यूज करते हैं। वी नो दैट द सम ऑफ द फाइबर्स दैट वी यूज फॉर मेकिंग द फैब्रिक कम टू प्लांट, और जो भी तंतु होते हैं रेशे होते हैं जो फाइबर्स होते हैं और जिनको हम कपड़ा बनाने के लिए यूज़ करते हैं वे भी प्लांट से आते हैं। इज़ द वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो द दिस, क्या पानी की इन चीज़ों के लिए इनके ग्रोथ के लिए आवश्यकता नहीं होती। कैन यू थिंक ऑफ द सम मोर यूज ऑफ द वाटर, क्या आप सोच सकते हो कि पानी के और भी प्रयोग हो सकते हैं। वाटर इज़ द यूज इन द इंडस्ट्रीज, जो वाटर होता है उन्हों दो पानी होता है जो उद्योगों में काम किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग द ऑलमोस्ट ऑल द थिंकिंग दैट इज, जो भी हम क्या नाम चीज़ें यूज़ करते हैं वो इंडस्ट्रीज में बनती है उद्योगों में बनती है तो वहाँ पे भी हम पानी की जरूरत होती है। सो वी नीड द वाटर नॉट ओनली फॉर द आवर लाइफ, कि जो हमें आवश्यकता होती है पानी की केवल केवल जो रोज की रोज में हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं उन्हीं के लिए नहीं होती बट आल्सो द प्रोड्यूसिंग द मैनी थिंग्स, लेकिन पानी की जो जरूरत होती है इसके अलावा हमें चीज़ों को बनाने के लिए भी यूज होती है। अब पहली वांट्स टू टेल यू, पहली क्या कहना चाहती है कि अबाउट टू ग्लासेस ऑफ द वाटर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच द पेज ऑफ द बुक, वो कहती है कि दो ग्लास पानी की आवश्यकता होती है जो बुक का एक पेज होता है उसको बनाने के लिए। फिर हमारा आगे है इसमें वेयर डू वी गेट द वाटर फ्रॉम, अब हमने ये तो देख लिया कि पानी के क्या क्या यूज होते हैं, अब हम देखें कि जो पानी होता है हम कहाँ से मिलता है हमें। वेयर डू वी गेट इन द वाटर दैट यू यूज, वो पानी कहाँ से आता है कहाँ से मिलता है जो हम पानी को यूज़ करते हैं। सम ऑफ यू में से कुछ इनमें से इस तरह से कह सकते हैं कि वी ड्रो वाटर फ्रॉम द रिवर्स स्प्रिंग पॉन्ड्स वेल्स एंड द हैंडपम्प, हम कह सकते हैं जो पानी है कुछ कहाँ से आता है नदियों से आता है कुछ बारिश से आता है कुछ तालाब से आता है कुछ वेल्स कुएं से आता है और कुछ हैंडपम्प से मिलता है। सम अदर द माइट से, और हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि वी गेट द वाटर फ्रॉम द टैप्स, कि जो पानी होता है वो नलों से आता है जैसे पानी नलों से आ रहा है ठीक है,
और ये देखो ये यहाँ से कह रहा है हैडपम्प से आ रहा है ये पानी आ रहा है। हैव यू एवर द वंडर कि वेयर द वाटर इन द टैप द कम फ्रॉम, आप कैसे क्या आश्चर्यचकित होंगे कि जो टैप से आपको पानी रिसीव करें वो कहाँ से आता है। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम द टैप इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम द लेक्स एंड द रिवर एंड द वेल्स, और जो भी पानी इन टैप से आता है वो आता है हमारा लेक से, झीलों से, नदियों से और वेल्स कुओं से। इट इज़ देन द सप्लाई थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स, और जो ये हमें कहाँ तक मिलता है ये जो एक नेटवर्क जाल बिछा होता है पानी मतलब पाइपों का उससे हमें मिलता है कि जो ये कनेक्ट होती है हमारे टैप से। वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम द रिवर्स लेक एंड द इन द बोरवेल एंड द वेल्स, कि जो पानी होता है जो हमारे टैप से आता है, नदियों से आता है, लेक से होता है, झीलों से आता है, बोरवेल से आता है और हमारे वेल्स कुओं से आता है। Each of us may be the getting the water into the our homes in different way, और हम कह सकते हैं कि जो भी हम घरों में पानी लेते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से आ सकता है, अलग अलग रास्तों से आ सकता है, बट द फाइनली ऑल ऑफ द अस गेट द वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेज, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो पानी आता है वो लगभग सभी एक समान सोर्सेज से आता है, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से और वेल से। वी हैव द डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज, हमने क्या डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे सोर्सेज के वाटर के। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, कि वेयर कहाँ से आता है पानी, टू फिल देयर द पॉन्ड्स लेक एंड द रिवर द वेल्स, कि जो पानी आता है वो कहाँ से आता है जो इन पौंडों को मतलब इन तालाबों को और लेक झीलों को नदियों को और वेल्स को भरता है। अब इनमें से देखिए हमने अब देखो एक सर्कल बन गया कि हमारे जो होम में है होम में पानी आएगा टैप से, और टैप से पानी आएगा रिवर से, हमारा लेक से। अब हम देखें कि ये जो रिवर में, लेक्स में, पॉन्ड से पानी ये कहाँ से आ रहा है। तो भूजो वांट यू टू इमेज द डे इन द योर लाइफ व्हेन द वाटर सप्लाई थ्रू द टैप इज नॉट अवेलेबल, भूजो जानना चाहता है और क्या करना चाहता है कि जो वाटर सप्लाई है जो टैप्स जो पानी आता है वो योग्य ना हो। तो सो यू हैव इन द पैच इन द योर सेल्फ फ्रॉम द फार अवे प्लेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा पानी को लाने के लिए काफ़ी दूर प्लेस को अब क्या करना पड़ेगा फॉलो करना पड़ेगा। वुड यू यूज़ द सेम अमाउंट द वाटर एंड ओन इन द एनी अदर डे, क्या आप फिर भी इस तरह से इतना ही पानी यूज करोगे जो दूसरे दिन जब आपको पानी सपोज करो टैप से नहीं आ रहा है तो आप क्या करो दूर दूर जाकर उस पानी को ला रहे हो, तो फिर भी क्या आप इन एक्टिविटीज में इतना ही पानी यूज करोगे जितना आप करते हो। फिर हमारा इसमें एक अर्थ है ओशंस कवर इज द मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ, जो ओशंस होता है जो हमारे मतलब समुद्र होते हैं वो बहुत सारा पार्ट होता है हमारे किस में अर्थ पर। तो हमारे क्या होता है जो हमारे अर्थ पे क्या होता है 70% तो हमारा वाटर है और 30% हमारा लैंड है। तो डू यू नो दैट अबाउट द 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर, क्या आप जानते हैं कि 2/3 हिस्सा हमारी अर्थ है पृथ्वी का होता है वो पानी से ही कवर्ड होता है। मोस्ट ऑफ द दिस वाटर इज इन द ओशन एंड द सी, और जो हमारा जो सबसे ज़्यादा पानी होता है वो हमारे समुद्र सागर में होता है। तो 2/3 हमारा वाटर या 70% हमारा वाटर होता है, 30% हमारा लैंड का पोर्शन होता है। The water in the oceans and the sea has the many the salt the dissolved, जो पानी होता है समुद्र सागर का उसमें सबसे ज़्यादा पानी घुला नमक घुला होता है। The water in the slime, इस तरह के वाटर को नमकीन पानी को क्या बोलते हैं स्लाइम वाटर बोलते हैं। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो ये पानी होता है ये हमारे पीने के लिए फिट नहीं होता, ना ही दूसरी तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है जैसे हमारा डोमेस्टिक वगैरह एग्रीकल्चरल रोग है या हमारे इंडस्ट्रियल नीड जो हमारी कृषि की चीज़ें होती है सिंचाई वगैरह कर रहे हैं ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें होती है, या फिर हमारे जो धूप के लिए जो भी हम थिंग वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारी थिंग जो डेली यूज में हमें यूज़ होती है। You might have the hear the famous line of the poem, कि आपने ये जो प्रसिद्ध लाइन है या क्या आपने सुनी है rhymes of the ancient mariner, जो किसकी poem है rhymes of the ancient mariner जो लिखी गई है H.T.A. कोलरेज इन द 1798 में जो लिखी गई है। वाटर वाटर एवरीवेयर, इसका मतलब पानी पानी सभी जगह है, एंड नो एनी टू ड्रिंक, लेकिन कोई भी जो पानी की जो बूंद है वो पीने के योग्य नहीं है। हेयर द पोएम हैज डिस्क्राइब दैट ए प्लाइट ऑफ द सेलर, ये कहा गया है कि जो कविता है ये डिस्क्राइब करती है प्लाइट ऑफ द सेलर ऑफ द शिप लॉस्ट इन द ओशन, की जो एक सेलर था जिसका शिप समुद्र में क्या गया था खो गया था। येट येट
Yet oceans play an important role in supplying the water that we use. हाँ, यदि जो oceans है, समुद्र है, ये सागर है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है, जो भी पानी हमारे पास सप्लाई होता है, जो जिसको हम यूज़ करते हैं. डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग? क्या आप इससे सरप्राइजिंग आश्चर्यचकित नहीं होगी? आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट साल्टी, की जो भी हम पानी यूज़ करते हैं वो पूरा नमकीन नहीं होता है. मैनी ऑफ द अस द लिव इन द प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशंस, हमारे में से बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी दूर रहते हैं इन ओशन से. डज द वाटर सप्लाई इन द दिस प्लेसिस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशंस? कैसे जो वाटर सप्लाई होता है वो इन स्थानों पर जहाँ पे हम रहते हैं, किस तरह से ओशन से पर सागर पर डिपेंड होता है. हाउ डज द ओशन वाटर रीच द पोल? किस तरह से जो ओशन समुद्र का पानी जो होता है वो किस तरह से हमारे पोंड में, लेक्स में, रिवर में और पैल्स में पहुँचता है? विच सप्लाई अस द वाटर? कौन सा जो पानी होता है जो हमारे पास सप्लाई होकर आता है? हाउ कम द वाटर फ्रॉम दिस सोर्स इज नॉट स्लाइन एनिमल? कि कैसे जो हमारे पास जो वाटर आता है और वैसे जो सोर्सेस है उसका स्लाइन एनिमल होता है, लेकिन जो हमारे पास आता है वो तो जो पानी होता है वो तो साल्ट नहीं होता. तो इससे क्या होता है, इससे हमें सरप्राइज फील होता है. दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम इन. इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कारण होता है, जो भी पानी हमारे पास आते रहते हैं समुद्र से आता है, समुद्र में, लेक्स में, पोंड में ये आता है, ठीक है, और हमारे रिवर्स वेल्स में आता है, लेकिन जो भी हमारे जो पानी है तो नमकीन है. तो इसका मतलब क्या होता है कि ये किस वजह से होता है, जो वाटर का सर्कल होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है. अब वाटर सर्कल क्या होता है? वाटर सर्कल डिसअपियरिंग द ट्रिक ऑफ द वाटर, कि किस तरह से, जो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे वाटर गायब हो जाता है. हाउ मैनी द टाइम्स हैव यू नोटिस दैट द वाटर स्प्लिट ऑन द क्लोर्स ड्राई अप एंड द आफ्टर द सम टाइम? आप ये नोटिस करोगे कि यदि आपके जो छत पे क्या हो जाता है, आपके फ्रेश पे पानी बिखर जाता है तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, वो सूख जाता है. द वाटर द सीम्स टू बी डिसअपीयर, इसका मतलब क्या होता है कि पानी हो जो होता है वो बिल्कुल गायब हो चुका है. सिमिलरली वाटर डिसअपीयर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स एज दे आर ड्राई अप, कि किस तरह से जो गीले कपड़े होते हैं वो जब सूख जाते हैं वहाँ से भी पानी गायब हो जाता है, जैसे ये 14.4 में दिया गया. जैसे क्या होता है, हमने कपड़े सुखाए तो क्या करेगा, जब सनलाइट इस पर पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, कपड़े ड्राई हो गए और पानी यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा. वाटर फ्रॉम द वेट रोड, जो पानी होता है जो हमारा वेट रोड से, जो गीले रोडों से, या हमारा रूफ टॉप के जो हमारी छतों के ऊपर से, एंड द फ्यू अदर द प्लेसेस आल्सो डिसअपीयर ऑफ द रेन्स, और क्या हो जाता है कि हमारे जो छतों के ऊपर होता है, रोड के ऊपर होता है, या कुछ अलग प्लेसेस होते हैं तो उसमें से पानी गायब हो जाता है वो बारिश के बाद. वेयर डज दिस वाटर गो, आप बताइए कि जो पानी है कहाँ जाता है. Do you remember the activity 6 in the chapter 5? आपने देखा था activity 6 जो chapter 5 में, in the which water with the salty dissolved in it is well the heated. इसका मतलब क्या होता था कि जब उसमें activities में दिया था, जो पानी है जिसमें salt क्या होता था, घुला हुआ होता था, तो जब हमने उसको heat करा तो वहाँ से क्या हो जाता, पानी गायब हो गया था और उसमें नीचे क्या बैठ गया था, वो नमक बैठ गया था. कि how did the we find? What did we find? हमने क्या देखा, क्या ढूंढा? द वाटर एपोरेटेड, जो पानी है वो भाप बन गया था, एंड द साल्ट वाज द लेफ्ट बिहाइंड, और जो नमक है वो वहाँ पे बच गया था, ठीक है, उसके नीचे मतलब जो भी हमारा बर्तन था उसकी तली में वो बैठ गया था. दिस एक्टिविटीज की असल आइडिया, ये जो एक्टिविटीज है क्रियाकलाप है, हमको एक आइडिया देती है ऑन द हीटिंग, कि जब गर्म होता है तो वाटर चेंज इंटू द पेपर्स, कि जो पानी होता है वो पेपर्स में बदल जाता है. वी आल्सो रियलाइज फ्रॉम द दिस एक्टिविटीज, हमने अनुभव किया इस एक्टिविटी ई क्रियाकलाप के द्वारा, कि द वाटर पेपर डज नॉट कैरी अवे द साल्ट विद इट. इसका मतलब क्या, जो पानी पेपर होते हैं, पानी की जो बूंदे होती है वो अपने साथ नमक को नहीं ले गई थी. वाटर वेपर सो द फोम बिकम ए पार्ट ऑफ देयर, क्योंकि जो वाटर वेपर होता है वो हवा का एक हिस्सा होता है, एंड कैन नॉट यूजली बी द सीन, जो हम पूरी तरह से उसको नहीं देख पाते. वी आल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज द एसेंशियल, जो गर्म करना होता है किसी भी चीज़ को वो आवश्यक होता है, जो बदल देता है पानी को वेपर्स में.
हाउएवर वी हैव द सीन दैट द वाटर चेंज इन टू इट इज़ द वाटर ऑल्सो, इसीलिए हमने देखा है कि जो पानी है किसमें बदल गया, वो वेपर्स भाप में बदल गया, फ्रॉम द जैसे हमारा फील्ड पर रोड पे रूप टॉप्स पे एंड द अदर लैंड द एरिया जहाँ जहाँ पे भी गीला होता है तो वेपर्स में चला जाता है. वी ऑल्सो डिस्कस इन द चैप्टर 5 दैट टू ऑब्टेन द साल्ट, हम चैप्टर 5 में डिस्कस कर चुके हैं कि पानी को नमक को प्राप्त करने के लिए वाटर फ्रॉम द सी, जो पानी होता है जो सी से इज द लेफ्ट इन द सैलो पिट टू लेट द वाटर वे एवोपोरेट, मतलब जो जब हम समुद्र से नमक को निकालते हैं तो क्या करते हैं हम छोटे छोटे पिट में गड्ढों में क्या करते हैं वो पानी कलेक्ट हो जाता है और कुछ दिनों के बाद पानी तो एवोपोरेट हो जाता है और हमें साल्ट मिल जाता है. फ्रॉम वेयर डज दिस द वाटर गेट द हीट इट इज़ नीडेड टू एवोपोरेट, लेट अस फाइंड आउट. अब जो पानी है पानी को एवोपोरेट बनने के लिए हीट कहाँ से मिलती है, चलो इसका पता लगाते हैं. तो एक्टिविटी 2 है, तो टेक 2 सिमिलर प्लेट्स, हमें क्या करना है दो बिल्कुल समांतर वाले प्लेट लेनी है. जैसे प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन द सनलाइट, एक जो प्लेट है उसको तो हमें सनलाइट में सूर्य के प्रकाश में रखना है एंड द कीप्ट अदर अंदर द शेड्स, और दूसरी हमने शेड्स में रखनी है मतलब थोड़ा छाया में रखनी है. नाउ पोर इक्वल द अमाउंट ऑफ द वाटर, हमें क्या करना है अब हमें इक्वली पार्ट में दोनों में क्या रखना है पानी को रखना है. यू कैन आल्सो ए कैप ऑफ द बोटल टू मेजर द वाटर, आप क्या कर सकते हो एक बोतल की कैप को यूज कर सको ताकि दोनों ही प्लेटों में पानी हमारा इक्वल अमाउंट में आए. मेक द श्योर दैट द वाटर डज नॉट स्पिल ओवर, आप ये ध्यान रखना कि जो पानी है उन प्लेटों से ना बहे, इस तरह से आप उनको पानी को भरना है. ऑब्जर्व द टू प्लेट आफ्टर द ईवर द 15 मिनट, आप क्या करो मतलब ऑब्जर्व करो दोनों ही प्लेटों को 15 मिनट के बाद. डज द वाटर सीम टू बी अस्पियर डिसअपियर, क्या जो पानी है वो क्या डिसअपियर हो गया, गायब हो गया. फ्रॉम विच द प्लेट्स डज इट डिसअपियर, फर्स्ट आप देखो कि कौन सी प्लेट से सबसे पहले पानी गायब हुआ है. व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ द हीट फ्रॉम द दिस एवोपोरेशन, क्या जो हीट का जो स्रोत है वो एवोपोरेशन है. ड्यूरिंग द डे टाइम द सनलाइट फॉल ऑन द वाटर इन द ओशंस रिवर्स लेक्स एंड द पॉन्ड्स, क्योंकि दिन के समय में क्या होता है जो सूर्य का प्रकाश होता है वो समुद्र में नदियों में लेक्स में पॉन्ड्स पर गिरता है. द फील्ड एंड अदर द लैंड एरिया आल्सो द रिसीव सनलाइट, क्योंकि जो खेत होते हैं या दूसरी तरह की लैंड होते हैं जमीन होते हैं वो भी इन सनलाइट को प्राप्त करते हैं. एज द रिजल्ट द वाटर फॉर्म, जो इसका जो परिणाम होता है जो पानी होता है इन सभी प्लेसेस से कंटिन्यूसली चेंज इन टू वेपर, किसमें बदल जाता है भाप में बदल जाता है. हाउएवर द साल्ट डिसोल्व इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड, और इसीलिए क्या होता है जो पानी नमक होता है वो जो पानी में घुला होता है वो वहाँ पर रह जाता है और पानी वेपोरेट हो जाता है. इन एक्टिविटीज 2 डिड यू फाइंड दैट द वाटर आल्सो डिसअपियर फ्रॉम द प्लेट गिफ्ट, आप एक्टिविटीज 2 में देखेंगे कि जो पानी है किस तरह से डिसअपियर गायब हो गया फ्रॉम द प्लेट कैप्ट, जो भी हमने प्लेट रखी थी इन द शेड्स मतलब जो हमने छाया में रखी थी. थ्रू इट कुड बी द टेकन मोर टाइम, क्या उसको ज़्यादा टाइम लगा है. डस द हीट, हाँ टाइम ज़्यादा लगेगा उसको. डस द हीट फ्रॉम द सनलाइट रिच हेयर, क्या जो गर्मी है वो जो सनलाइट की यहाँ पर भी पहुँची है. यस हाँ पहुँची है. ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट द हीटेड, कि जो भी एयर होती है जो हवा होती है जो हमारे आस पास होती है वो क्या करती है वो गर्म होती है. दिस वार्म एरिया प्रोवाइड हीट फ्रॉम द एवोपोरेशन द वाटर इन द शेड्स, इसलिए क्या होता है कि जो शेड्स में होता है जो छाया में होता है जो हवा होती है जो गर्म होती है वो उस पानी को एवोपोरेट करने में हेल्प करती है. दस एवोपोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम ऑल द ओपन सर्फेस ऑफ वाटर, और जो एवोपोरेशन होता है वाष्पन होता है वो सभी जो ओपन सर्फेस होता है वाटर में सभी जगह होता है. एट द रिजल्ट इसका परिणाम क्या होता है कि वाटर वेपर गेट कंटिन्यूसली एडिड टू एयर, जो पानी होता है पानी की जो वेपर होता है भाप होते हैं वो लगातार हवा में हमें जुड़ने लगे थे एडिट होने लग जाती हैं. हाउएवर एवोपोरेशन ऑफ द वाटर इज द स्लो प्रोसेस, जो एवोपोरेशन है पानी की एवोपोरेशन है पानी का वाष्पन है वो जो प्रक्रिया काफ़ी धीमी है. दैट इज़ वाई वी आर रियली नोटिस इट इज़ द लोस फ्रॉम द बकेट फुल ऑफ द वाटर, इसलिए हमने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी हम जो
जो पानी से भरी हुई बाल्टी होती है उसमें से कुछ पानी गायब हो जाता है। इन द सनलाइट एवोपोरेशन टेक प्लेस द फास्टर, लेकिन जो सनलाइट में क्या होता है, सनलाइट में जो एवोपोरेशन की जो प्रक्रिया होती है काफ़ी तेज होती है। ऑन द हीटिंग, गर्म करने पर वाटर ऑन द बर्नर, अब जो पानी है बर्नर पर जैसे गर्म करने पर, इट इज़ एवोपोरेशन टेक प्लेस वेरी फास्टर, जब हम बर्नर से किसी भी पानी को हीट करेंगे तो एवोपोरेशन की प्रक्रिया काफ़ी तेज होती है। इज द देयर एनी द अदर प्रोसेस थ्रू द विच द वाटर एवोपोरेट वेपर गेट द ट्रांसफर इन टू द एयर, अब क्या और भी दूसरी तरह की प्रक्रिया होती है जो पानी वेपोरेट हो जाता है और किस में ट्रांसफर हो जाता है, एयर में होता है। तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे लूज ऑफ द वाटर बाय द प्लांट की किस तरह जो पानी और प्लांट होता है किस तरह से पानी को छोड़ते हैं। यू हैव द लर्न इन द चैप्टर 7, हमने चैप्टर 7 में पढ़ा है द प्लांट्स नीड द वाटर टू द ग्रो, कि जो प्लांट होते हैं पौधे होते हैं उन्हें पानी की जरूरत होती है बढ़ने के लिए। प्लांट यूज द पार्ट ऑफ दिस द वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड, और जो प्लांट होते हैं उस पानी का एक जो अपने खाना बनाने के लिए एक हिस्सा होता है ताकि वो अपना उसमें फूड बनाएंगे। रिटेन सम ऑफ इट इज द देयर डिफरेंट पार्ट, कुछ तो वो क्या करेंगे अपना खाना बनाएंगे और दूसरे क्या करेंगे अपने जो प्लांट होता है अपने अपने प्लांट के अलग अलग भागों में उसको स्टोर करके रखेंगे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वाटर इज द रिलीज बाय द प्लांट इन टू, और जो बाकी का जो पानी बचा हुआ होता है वो क्या करेंगे वो उसमें रिलीज कर देंगे हवा में। एज द वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, इसीलिए जो पानी की जो बूंदे होते हैं पानी का जो भाप बनना होता है उसको किस प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन से होता है। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग द ट्रांसपिरेशन द वाटर बाय द प्लांट एक्टिविटीज 4 इन द चैप्टर 7, आपने देखा है कि चैप्टर 7 जो एक्टिविटीज 4 में किस तरह से पानी मतलब जो प्लांट के द्वारा वाटर को ट्रांसपिरेशन किया, क्योंकि जैसे हमने उसमें पॉलीथीन बांधी थी ना तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है उस पानी में मतलब जो पॉलीथीन होती है उस पे के बाद क्या हो जाएगा पानी की छोटी छोटी बूंदें हमें वो दिखाई देगी। ये कि वी वेपर द एंटर द एयर, जो भी पानी है वेपर भाप बनता है वो किस में चला जाता है, हवा में चला जाता है थ्रू द प्रोसेस एवोपोरेशन और ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया के द्वारा। इज इट इज़ द लॉस फॉर द एवर, क्या हमेशा ही वो लॉस्ट होता है पानी, नो नहीं, वी गेट इट द बैक अगेन, हम उसको प्राप्त कर लेते हैं एज द वी विल द सी, चलो देखते हैं। हाउ आर द क्लाउड फॉर्म, किस तरह से जो बादल है वो बनते हैं, अब इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें देखेंगे एक्टिविटीज़ 3 में। तो हमने क्या करा इसमें, टेक इट द ग्लास हाफ फिल्ड विद द वाटर, हमें क्या करना है कि एक ग्लास लेना और उसको आधा पानी से भरना है। वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद द एक क्लीन पीस ऑफ द क्लॉथ, हमें क्या करना है जो ग्लास है उसके बाहर के पार्ट को एक साफ कपड़े से अच्छे से पोंछना है। एड द सम आइस इन टू द वाटर, हमें क्या करना है कि कुछ जो मतलब बर्फ होती है वो उस पानी में मिक्स करनी है। वेट फॉर द 1 and 2 minutes, हमें क्या करना है हमें इंतजार करना है 1-2 minutes का। ओसर दे ऑब्जर्व करो कि द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास, कि जो ग्लास है ग्लास के बारी बारी जो हिस्से पे क्या क्या मिलेगा आपको। फ्रॉम वेयर डू द वाटर द ड्रॉप अपीयर ऑन द आउटसाइड द ग्लास, कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि आपको जो ग्लास होते हैं ग्लास की जो बारी है यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगी, छोटी छोटी सी बूंदें दिखाई देगी, वाटर ड्रॉप्स दिखाई देगी। द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग द आइस वाटर, कि जो मतलब जो इसके अंदर पानी में जो पानी में के अंदर जो बर्फ थी उसके कारण से क्या हुआ कि जो ग्लास का सरफेस है वो भी ठंडा हो गया। कूल द एयर अराउंड इट, और जो उसके आसपास किया वो भी ठंडी हो गई। एंड द वाटर द वेपर ऑफ द एयर, जो भी मतलब पानी के वेपर थे वास्त था वो क्या करा हवा में गया और कंडेंसिस होकर सरफेस के ग्लास पे आ गया, मतलब जो भी भाप थी वो सारी कंडेंस होकर कहाँ पे आ गई, वो ग्लास के सरफेस पे आ गई और हमें किस तरह से दिखाई देगी वो हमें छोटी छोटी बूंदे ये वाटर ड्रॉप के द्वारा हमें दिखाई दी। वी नोटिस दैट द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन द एक्टिविटीज 7 इन द चैप्टर 5, कि हमने देखा था ना वो कैटल वाला था एक, और तो कैटल वाली जो प्लेट्स थी तो हम उसमें देखा था वो, ठीक है। फिर ड्रॉप ऑफ द वाटर अपीयर इन द आउटसाइड इन द सरफेस द ग्लास द कंटेन द वाटर इज द आइस, आप ये जाना है ग्लास तो यहाँ पे देखेंगे अब छोटी छोटी इस तरह से आपको इस तरह बूंदे दिखाई देगी। भूजे हैड नोटिस द फोग नियर इन द ग्राउंड इन द विंटर मॉर्निंग, जो भूजे ने नोटिस किया है कि जो ठंडी की सुबह होती है वहाँ पे उसे फोग कोरा दिखाई देता है। ही वंडर, वो आश्चर्यचकित है कि इफ दिस इज द आल्सो कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर नियर द ग्राउंड, क्या ये भी जो जल वाष्प के
जल जल वाष्प होती है, जो वाटर वेपर होता है उसको कंडेंस के कारण ही होता है। तो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? अब हम आगे का जो हिस्सा है, पार्ट है, वो दूसरे इसमें करेंगे, ठीक है? आप मेरे चैनल पे जाके, हमारी जो ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, उसके क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, ठीक है? और हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी मोस्टली एक ही चैप्टर रहेगा, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मैथ की सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके क्या नाम देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।